अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है ईद स्पेशल में शीर खुरमा। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से आप ईद के पुरमुसरत मौके पे इसको तैयार कर सकेंगे। तो इसे बनाने के लिए 1/4 कप घी लेंगे और घी आप देसी इस्तेमाल कीजिएगा या देसी घी की जगह पे मक्खन भी यूज़ किया जा सकता है। और इसमें 1 कप बारीक सेवइयां ऐड करेंगे और सेवइयों को कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही सेवइयों का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो इसमें कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और किशमिश को ऐड करेंगे और इन्हें भी सेवइयों के साथ फ्राई कर लेंगे। और कुछ देर के लिए इनको फ्राई कर लेने के बाद इसमें 2 ग्लास दूध ऐड करना है और दूध ऐड करने के बाद सेवइयों को नरम हो जाने तक पका लेंगे। तो सेवइयां नरम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती क्योंकि ये बारीक सेवइयां होती हैं तो जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती हैं। और जैसे ही सेवइयां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करना है और कंडेंस मिल्क ऐड करके इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और 1 से 2 मिनट में ही हमारा बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्लेम को ऑफ करते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और जैसे ही शीर खुरमा ठंडा हो जाएगा तो इसे बाउल में निकाल लेंगे और अब इसे पिस्ते, बादाम और किशमिश के साथ गार्निश कर लेंगे। तो आपने देखा ये कितनी क्विक रेसिपी है और कितनी जल्दी ही हम बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा तैयार कर सकते हैं। और गार्निश करने के बाद इसे 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद शीर खुरमा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अपनी ईद की खुशियों में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मेरी ये क्विक सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द न्यू रेसिपी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। ईद मुबारक।